अगर आप कोल्ड क्रीम की प्रिपरेशन देखेंगे तो ये बहुत ही इजी पड़ती है। हमें सबसे पहले करना क्या है, हमें वाइट बीस वैक्स और लिक्विड पैराफिन को लेना है और इन दोनों को आपस में मिला के हीट कर लेना है 70 डिग्री सेल्सियस पे। आपको यहाँ पे याद रखना है जो वाइट बीस वैक्स है और लिक्विड पैराफिन है दोनों ही यहाँ पे ऑयल कंपोनेंट की तरह काम करते हैं। ठीक, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, हमारे पास एक मेल्टेड मास फॉर्म हो जाएगा। दूसरी तरफ हमें साइड में एक दूसरे बीकर में क्या करना है, दूसरे बीकर में हमें बोरेक्स प्लस में प्यूरिफाइड वाटर इनको आपस में मिक्स कर लेना है और क्या हो जाएगा, हमारे पास एक एक्वस सॉल्यूशन बन जाएगा। इधर हमारे तरफ हमारे पास एक ऑयली सॉल्यूशन है और इधर हमारे पास एक एक्वस सॉल्यूशन है। यहाँ पे जो ऑयली सॉल्यूशन है वो 70 डिग्री सेल्सियस पर मेंटेन कर रखा है, यहाँ वाला सॉल्यूशन भी हमें थोड़ा सा वार्म कर लेना है। अब हमें क्या करना है, जो हमारे पास यहाँ पे ऑयली सॉल्यूशन है हमें इसको स्टिर करना है। ठीक है, जिसमें वाइट बीस वैक्स और लिक्विड पैराफिन मिले हुए हैं इसको हमें स्टिर करना है यानी कि घुमाना है और इसमें धीरे धीरे हमें एक्को सॉल्यूशन ड्रॉप बाय ड्रॉप डालना है। ठीक है, एक्को सॉल्यूशन क्या करना है, ड्रॉप बाय ड्रॉप हमारा ऑयली सॉल्यूशन में हमें डालना है, स्टिर करते हुए डालना है। ठीक है, घुमाते घुमाते डालना है और क्या करना है, लास्ट में हमें इसको कूल कर लेना है, जो मास बनेगा उसको कूल कर लेना है और लास्ट में हम ऐड करेंगे परफ्यूम, परफ्यूम को बिल्कुल ही लास्ट में ऐड करना है। तो इसके बाद हमारे पास क्या बन जाएगी, कोल्ड क्रीम। ये है हमारी प्रिपरेशन की टेक्निक कि हमें कोल्ड क्रीम किस तरीके से प्रिपेयर करनी है।